क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर आज तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई है? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन ताजमहल पर आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई है। सवाल यह है कि आखिर क्यों ताजमहल पर लाइटिंग क्यों नहीं की गई है, जबकि ऐसा करने से रात में उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है, जो एक विश्व धरोहर है। साल 1963 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल को बनाने में करीब 22 साल का समय लगा था। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा और 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब ताजमहल पर दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी में ताजमहल अलग अलग समय में कई रंगों में नजर आते हैं। क्या आपको पता है कि ताजमहल को बनाने के लिए कितने मजदूर लगे थे? तो आपको बताते चले कि ताजमहल बनाने के लिए 20,000 मजदूर लगे थे। ये मजदूर भारत, तुर्की और फारस से आए थे। ऐसे में मन में ये भी सवाल आता है कि ताजमहल बनाने में कितना रुपए खर्च हुआ होगा, कि आखिर इतनी खूबसूरत इमारत को बनाने में उस समय कितने पैसे लगे थे। तो आपको बता दें कि उस समय ताजमहल को बनाने में लगभग 3.2 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। आज के समय में इसकी वैल्यू क्या होगी? ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो सफेद रंग का होता है वो लाइट्स को सबसे ज्यादा परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर लाइट्स को ताजमहल पर लगाया जाएगा तो उसे लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा और इस वजह से ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि कई कीड़े ऐसे होते हैं जो लाइट के तरफ आकर्षित होते हैं। लाइट्स होने के कारण ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे काफी सारे कीड़े ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे। अब अगर वो ताजमहल की तरह आकर्षित होंगे तो ये बात तो पक्की है कि ताजमहल के ऊपर जाकर भी जरूर बैठेंगे और उसके पत्थर को भी नुकसान पहुंचेगा। आपको बता दें कि ताजमहल को उसके आसपास का प्रदूषण पहले से ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो अगर ऐसे में ताजमहल के ऊपर लाइट्स लगा दी जाए तो इससे ताजमहल को और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि ताजमहल को बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि यह इमारत रात में चांद की रोशनी में काफी अच्छे से चमकेगा, लेकिन अब ऐसे में अगर हम रात में ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट लगा के रोशन कर दें तो हम इनकी नेचुरल खूबसूरती कम कर देंगे। इसी वजह से हर महीने पर्यटक रात में 5 दिन ताजमहल की नेचुरल खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं और ताजमहल की खूबसूरती को निहारते भी हैं। तो यही कारण है कि ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई है।